एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। एक नई सुबह के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ और मजे मजे की बातों के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। आज के शो में जो टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए, बहुत पसंद आएगा आपको, क्योंकि अच्छा, साफ सुथरा, चमकता हुआ घर किसको नहीं पसंद होता, हर एक को पसंद होता है। लेकिन जब हम क्लीनिंग अप्लाइंसेस की बात करते हैं या क्लीनिंग यूटेंसिल्स की बात करते हैं, तो वो इतनी महंगी चीज़ें होती हैं, जैसे जो डिटर्जेंट होता है जो कपड़े धोने के काम आता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ज़मीन पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे मॉप लगा रहे होते हैं, या किसी डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं फिनाइल की, वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ पर इतना टैक्स है, एक आपको समझ नहीं आता कि अगर घर थोड़ा सा भी बड़ा है तो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाए। तो हमने सोचा हम आज के शो में क्यों ना खुद भी सीखें, आपको भी सिखाएं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगी और वो हमें भला क्या सिखाएंगी, वो हमें सिखाएंगी कि घर में रखी हुई चीज़ों से किस तरह से आप घर को चमका सकते हैं, चाहे वो फ्लोर्स हों, चाहे वो दीवारें हों, चाहे वो पतीलियां हों जिसमें हम चाय बनाते हैं और जब चाय का निशान रह जाता है और फिर उस वक्त साफ़ हो रहा होता है, वो जब मेहमानों के सामने रखा जाता है उससे पहले पूरा साल इग्नोर किया जाता है उस निशान को। इसके अलावा जब शीशे हम साफ़ करते हैं तो अक्सर घरों में देखा गया है अखबार से शीशे साफ़ हो रहे होते हैं, मेरे घर में भी अखबार से ही होता है। और मेरी हेल्पर ने मुझे एक दिन बताया कि बाजी आप वाइपर ले लें, तो मुझे पता चला ज़िंदगी में पहली बार कि वो शीशे साफ़ करने के लिए कोई वाइपर होता है छोटा सा, वो फिर मैंने लिया। लेकिन ऑफकोर्स उसकी भी कॉस्ट होती है, तो शीशे साफ़ करने का क्या सही तरीका है, चाय के निशान हटाने का क्या सही तरीका है, जो हमारा सिल्वर वेयर होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, उस सिल्वर वेयर को साफ़ करने का क्या तरीका है, क्या सिर्फ उबालने से साफ़ हो जाता है? नहीं, आज हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर मुबशरा मौजूद होंगी, वो हमें बताएंगी, बहुत सारी इस तरह की हैक्स हमारे साथ शेयर करेंगी, बहुत सारे टोटके हमारे साथ शेयर करेंगी घर की सफाई से मुतालिक। ना सिर्फ ये, खाने में क्या है, खाने में है आज एक रेशमी अंडा। आप पराठे में भी इसको भर सकते हैं, आप इसको बर्गर्स में भी भर सकते हैं, देसी नाश्ता है, मज़े का बनता है, जैसे हम खाते हैं ना वो चिकन मखनी खाते हैं या मलाई बोटी मलाई चिकन खाते हैं, उस तरह का इसका टेक्सचर होगा और बहुत मज़े का बनता है। मतलब आप बता नहीं सकते कि अंडा है या ये चिकन है, इतने ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छा, इसके साथ साथ आज क्या सीखे में हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद होंगी जो कि हमें बनाना सिखाएंगी इन्विटेशन कार्ड्स। जब आप इन्विटेशन कार्ड्स की बात करते हैं, चाहे वो किसी शादी के लिए आपको भेजने हों, मेहंदी मायों के फंक्शन के लिए भेजने हो, बर्थडे के लिए भेजने हो, तो किसी से बनवाना बहुत महंगा पड़ता है, प्रिंट करवाना बहुत महंगा पड़ता है, तो क्यों ना आप उनको हाथ से बनाएं। हैंडमेड कार्ड्स किस तरह से बनेंगे, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और अब बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की जानिब। न्यूज़ हमारी पहली है वो सेंसेशन जो कि आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह जो है वो वायरल हुई हुई हैं। ये एक 9 साल की बच्ची हैं जो कि हैं तो ऑटिस्टिक, इनकी जो आईक्यू है वो बहुत ज़्यादा है, विच इज़ 162, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी आईक्यू जो है वो इतनी ज़्यादा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स के बराबर या उनसे भी थोड़ी सी ज़्यादा है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग टू क्लेम। और मेक्सिको सिटी की ये जो है वो नेटिव हैं और इनका नाम है एधेरा पेरेज, और इन्होंने ग्रेजुएट कर लिया है हाई स्कूल को, और ये अब दो चीज़ें सीखने वाली हैं जनाब, ये दो डिग्रीज हासिल करने वाली हैं, एक सिस्टम्स इंजीनियरिंग में और एक मैथ्स में। यहाँ लोगों से एक डिग्री नहीं हो पाती है और ये 9 साल की बच्ची दो डिग्रीज की तरफ जा रही है। ऑल द बेस्ट, आई एम सो हैप्पी। कि एक ज़माना था जब हम कहते थे कि जी ऑटिज़म का मतलब है कि नहीं आप किसी चीज़ को करने के लिए डिसेबल हैं, नहीं, इट इनेबल्स यू टू डू सो मैनी थिंग्स जो कि और लोग नहीं कर पाते, बिकॉज ऑटिज़म का और हाई आईक्यू का आपस में एक कोरिलेशन पॉजिटिव देखा गया है कि जिन लोग को ऑटिज़म होता है काफ़ी सारी केसेज में उनकी आईक्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वेल जनाब, ये थी हमारी पहली न्यूज़। और दूसरी न्यूज़ है उन तमाम खवातीन के लिए जो कि ये ड्रीम करती हैं कि काश हमारी वर्क प्लेस भी ऐसा कुछ करे। स्पेन वो ऐसी पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने मेंस्ट्रुअल लीव देना स्टार्ट की है, यानी जब आपको पीरियड्स होते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी जो है उसमें कोई ऐसा दिन है जिसमें आपको पेन हो रहा है, बहुत सारी खवातीन होती हैं उनको बहुत पेन होता है एंड उनको छुट्टी करनी पड़ती है, कुछ एक्सक्यूज़ बना के करती हैं, कुछ रियल रीज़न दे के करती हैं, पेड ऑफ मिलेगी आपको। एंड हम हमेशा कहते हैं कि रोम वॉजन स्टार्टेड इन अ डे, सो वॉजन बिल्ट इन अ डे, विच मीन्स
एक कंट्री ने किया, यूरोप में किया, अब कहानी शायद होते होते अल्लाह करे एशिया तक आ जाए, हम तक आ जाए और हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमें जो है वो अपॉइंट किया है वो भी हमें छुट्टी देंगे। बिल्कुल हमारा हक है जनाब। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको नॉट इन न्यूज़ बट वैसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि PSL 8 जो है वो जारी है और मैं तो इन्जॉय बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, आप भी आई एम श्योर इन्जॉय कर रही होंगी। और आप हमें बाय द वे फ़ोन भी करके बता सकते हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो सपोर्ट कर रही हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को। कूल सी टीम लगती है मुझे ये। अच्छा जी, मुझे ज़रूर बताइएगा आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करने के लिए ना ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही होती है क्रिकेट के बारे में, बस ऐसी सपोर्ट करने, इट्स फन, अच्छा है, फैमिली में दूसरे लोग, हर इंसान अलग अलग टीम को सपोर्ट कर रहा होता है तो मज़ा भी आता है ज़रा मैच देखने का। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो हमारी तीसरी न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस लिटरली फेस्टिवल जो कि हो रहा है नॉर्थ वजीरिस्तान में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसमें 146 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है डिफरेंट स्कूल से और अपनी स्किल्स का मुजाहिरा किया है। क्या क्या स्किल्स हैं जनाब? ड्राइंग है, पेंटिंग है, पश्तो पोइट्री है, उर्दू क्विज है, नेशनल सॉन्ग्स हैं, ऐसे राइटिंग है। सो इसमें क्या हुआ कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कंपेटिटिवनेस दिखाई थी और इस किस्म की कॉम्पिटिशन से क्या होता है कि उन बच्चों में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी। और उस पर भी अब इस तरह से इस लिटरली फेस्टिवल में काम किया जा रहा है कि ये जो इनकी स्किल्स हैं ये उजागर होंगी। एक हेल्दी कंपटीशन जब आता है ना आपके अंदर तो आप कहते हैं मुझे और अच्छा करके दिखाना है उस इंसान से, इस इंसान से, और इवेंचुअली अपने आप से और ज़्यादा अच्छा करके दिखाना है। सो वेल जनाब, ये थी हमारी न्यूज़। अब टाइम है ब्रेक पर जाने का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपके लिए बनाएंगे कुछ मलाई अंडा मखनी, अंडा कुछ क्रीमी सा। अंडा हर घर में होता है, क्रीम हर घर में होती है, लेकिन जिस किस्म की सीजनिंग्स हम इसमें ऐड करेंगे ना आपको बड़ा मज़ा आएगा, लगेगा चिकन खा रहे हैं लेकिन अंडा खा रहे होंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।